मैं अक्षय नारायण पारेख, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का हमारा ये वीडियो बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि कोटा विश्वविद्यालय से संबंध है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है एवं इसका जो विषय क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानव शास्त्र जो शब्द है या मानव शास्त्री जो शब्द है वो सबसे पहले अरस्तु ने प्रयोग में लिया और बताया कि मानवशास्त्री वह है जो व्यक्ति स्वयं के लिए बात करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए जो अपने लिए जो बात करता है वह मानवशास्त्री है। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में मानवशास्त्र शब्द 1822 में लिया गया और इसे मानव प्रकृति की चर्चा के अर्थ में परिभाषित किया गया, अर्थात मानव प्रकृति, मानव का जो नेचर है, मानव का जो कार्य व्यवहार है या मानव के जो कार्य करने के तरीके हैं वो सभी मानव शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। अब हम लोग देखेंगे कि मानव शास्त्र जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है एवं विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न मानव शास्त्रियों ने किस प्रकार से मानव शास्त्र को परिभाषित किया है अथवा किन दृष्टिकोण से मानव शास्त्र को देखने का प्रयत्न किया है। हम लोग देखेंगे कि जो मानव शास्त्र शब्द है वो अंग्रेजी के एंथ्रोपोलॉजी शब्द से बना है या उसका हिंदी रूपांतरण है, और ये जो एंथ्रोपोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, पहला शब्द एंथ्रोपो और दूसरा शब्द लॉजिया, और इन दोनों से मिलके बना है और इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मानव का विज्ञान। एंथ्रोपो अर्थात मानव या मैन, लॉजिया अर्थात विज्ञान या साइंस, अर्थात मानव का विज्ञान या वह विज्ञान जो मानव का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से 1655 ईस्वी में हड्डन ने कहा मानव शास्त्र मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है। अब सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो प्रकृति जो शब्द है, प्रकृति का जो सामान्य अर्थ है, प्रकृति अर्थात नेचर, दो तरह से प्रकृति को डिफाइन कर सकते हैं। एक जो हमारे आसपास का वातावरण है जो कि हम पर्यावरण के रूप में देखते हैं वो प्रकृति, और दूसरा जब हम ये कहते हैं कि कोई आदत विशेष अथवा उसके जो गुण हैं वो प्रकृति में सम्मिलित किया जाता है। तो हड्डन ने क्या कहा कि मानव शास्त्र मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है, अर्थात मानव की आदतों का, मानव के कार्यों का, मानव के व्यवहारों का एवं मानव के कार्य करने के तरीकों का अध्ययन करता है। उसके पश्चात बहुत सारे विचारकों ने और मानव शास्त्रियों ने अनेक पुस्तकें लिखी और 1856 के पश्चात इनमें बहुत बढ़ोतरी हुई या इन पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक रही, और विभिन्न मानव शास्त्रियों ने मानव शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयत्न किया और अपने अपने ढंग से मानव शास्त्र को परिभाषित किया। तो कुछ मानव शास्त्रियों की परिभाषाएं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और विषय को समझने के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोबर के अनुसार कि क्रोबर ने मानव शास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है। क्रोबर ने कहा है कि मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है, जो सबसे स्पष्ट और सबसे जो सिंपल ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है, जो कि इसके शाब्दिक अर्थ में भी है कि मानव शास्त्र क्या है, मानव का विज्ञान है, अर्थात वह विज्ञान है जो मानव का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से हॉबल ने कहा है या हॉबल ने परिभाषित किया है कि मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है, अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों और प्रथाओं का अध्ययन है। यदि हम इस परिभाषा को हम ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से कोशिश करेंगे समझने की, तो जो मानव शास्त्र है वो मानव और उसके जो कार्य हैं उनका अध्ययन करता है, अर्थात मानव के कार्यों का, मानव के व्यवहारों का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत
किया जाता है। और यदि इसका डीपली अर्थ हम जानने का प्रयत्न करते हैं तो जो मानव की प्रजातियां हैं और प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उन सभी का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से होबल ने मानव शास्त्र को परिभाषित किया है। आगे मजूमदार और मदान कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव के उद्भव एवं विकास का शारीरिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अर्थात जो मानव शास्त्र है वो मानव की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेके उसके विकास, उसका परिवर्तन एवं जो पूरी उद्विकासीय प्रक्रिया है उसके अनुसार शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों ही ढंग से, तीनों ही दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयत्न करता है कि मानव का शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास एवं सामाजिक विकास किस प्रकार से हुआ है। इसी प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने जो मानव शास्त्र को परिभाषित किया है वो ये है, मानव शास्त्र प्राकृतिक इतिहास की वह शाखा है जो मानव जाति का अध्ययन करती है। अब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार इन्होंने बताया कि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब जब हरकोविट्स की परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि मानव शास्त्र मानव है उसके कार्यों का अध्ययन है। सेम वही परिभाषा जो कि होबल ने कही थी और वही परिभाषा जो कि मजूमदार मदान ने कही थी, लगभग लगभग सभी ने मानव शास्त्र को इसी आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न किया है कि मानव शास्त्र मानव और उसके कार्य व्यवहारों का अध्ययन करता है एवं मानव शास्त्र के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। अब एससी दुबे ने जो उपरोक्त सभी परिभाषाएं थी उन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करके ये निष्कर्ष दिया कि जो मानव शास्त्र है उसके अंतर्गत मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और जो मनुष्य जाति का जन्म हुआ, जब से मानव का जन्म हुआ तब से लेके वर्तमान काल तक के जो मानव का जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुआ है उसके विभिन्न पक्ष इस विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात एससी दुबे ने उपरोक्त सभी परिभाषाओं का एक निचोड़ ये दिया कि मानव और उसके कार्य, साथ ही जो मनुष्य जाति का जो विकास हुआ है, मानव का जो विकास हुआ है उद्भव से लेकर वर्तमान काल तक, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी विकास के बारे में चर्चा की है। अब इन सभी परिभाषाओं के पश्चात हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मानव शास्त्र है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, अर्थात ऐसे कौन सी विशेष चीज़ें हैं जिससे हम मानव शास्त्र को परिभाषित भी कर सकते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, मानव शास्त्र मानव जाति के उद्भव से लेकर वर्तमान तक मानव का अध्ययन करता है। वही सिमिलर चीज़ जो कि हमने परिभाषाओं में देखी थी कि जो मानव शास्त्र है वो मानव जाति का, मानव का जब से उद्भव हुआ है तब से लेके उसके जो बीच का उद्विकास रहा वो काल और वर्तमान काल तक मानव का अध्ययन करता है। इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या डिफरेंस है। इसी में हम स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से मानव शास्त्र में मानव का और समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। चलिए दूसरी विशेषता है मानव शास्त्र की, वो है जो मानव शास्त्र है मानव शरीर की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। अर्थात वही सिमिलर चीज़ लगभग है कि मानव शरीर की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन भी मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, मानव शास्त्र के द्वारा मानव की संस्कृति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। अब जब मानव का अध्ययन किया गया, उसकी शारीरिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया गया, उसके विकास का अध्ययन किया गया, उसके उद्विकास का अध्ययन किया गया, तो मानव के द्वारा निर्मित जो संस्कृति है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है उस संस्कृति का अध्ययन भी मानव शास्त्र में किया जाता है कि मानव की संस्कृति क्या है, किस प्रकार से मानव व्यवहार करता है, किन आदर्शों एवं मूल्यों, किन प्रतिमानों के अनुसार मानव व्यवहार करता है, इन सभी का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव शरीर की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है कि मानव जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है,
और उसके कार्य क्या क्या हैं, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। इसके साथ ही मानवीय संस्कृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन भी करता है कि मानवीय संस्कृति क्या है और उसके कार्य क्या क्या हैं, इनका अध्ययन भी किया जाता है। मानवशास्त्र के द्वारा संस्कृति के प्रत्येक काल का अध्ययन किया जाता है। अब ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मानवशास्त्र संस्कृति का किन काल में अध्ययन करता है, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, वर्तमान जो मध्य काल है उसमें। तो मानवशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण मानव की संस्कृति का तब से लेके अध्ययन किया जाता है जब से उसका उद्भव एवं विकास हुआ है, अर्थात उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ, जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन हुआ, उन सभी का अध्ययन मानवशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मानवशास्त्र की विशेषताएं हुई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मानवशास्त्र की प्रकृति, कि प्रकृति का जो शाब्दिक अर्थ मैंने आप लोगों को बताया उसी पे हमको यहाँ फोकस रखना है कि मानवशास्त्र है उसकी प्रकृति कैसी है। अर्थात जैसे समाजशास्त्र में हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा नहीं है, ये विज्ञान की श्रेणी में आता है अथवा नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। कि अब सबसे पहले देखने की चीज़ ये है, देखने योग्य बात यह है कि हम देखेंगे कि जो मानवशास्त्र है उसकी प्रकृति के संबंध में अनेक प्रश्न उठते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो उठता है कि क्या मानवशास्त्र विज्ञान है, दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि यह विज्ञान है तो यह सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है। तो अच्छा, अगर यदि प्राकृतिक विज्ञान है तो इसमें कौन कौन सी प्राकृतिक विज्ञान की जो पद्धतियां हैं, जो मेथड्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो कि इसकी प्रकृति का, मानवशास्त्र की प्रकृति का निर्धारण करते हैं और ये बताते हैं कि मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है या मानवशास्त्र का व्यवहार कैसा है, कि मानवशास्त्र का अध्ययन किन पद्धतियों को ध्यान में रखकर किया जाता है या मानवशास्त्र में किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सभी प्रश्न हैं, विभिन्न विचारकों ने अपने विचार इस पे रखे, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा कि क्या मानवशास्त्र विज्ञान है और या सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है। तो अपने अपने ढंग से सभी ने इसको निर्धारित किया कि मानवशास्त्र क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि मानवशास्त्र के बारे में अनेक विद्वानों ने अपनी बात रखी है और अपने अपने दृष्टिकोण बताए हैं और ये बताने का प्रयत्न किया है कि मानवशास्त्र विज्ञान क्यों है या अगर विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि प्राकृतिक विज्ञान है तो वो प्राकृतिक विज्ञान क्यों है, और यदि सामाजिक विज्ञान है तो वो सामाजिक विज्ञान क्यों है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को इसमें ढूंढने हैं जो कि विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं होबल के अनुसार कि होबल ने किस प्रकार से मानवशास्त्र की प्रकृति को समझाया है और किस प्रकार से व्याख्या की है कि मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बेसिक चीज़ है होबल की, होबल मानवशास्त्र को प्राकृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार का विज्ञान मानते हैं। अर्थात होबल कहते हैं कि मानवशास्त्र प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार का विज्ञान है। अच्छा, ये क्यों है? फिर आगे वो कहते हैं कि मानवशास्त्र के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए यह प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। और सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में क्यों आ सकता है? क्योंकि इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। इसलिए होबल मानवशास्त्र को प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं और बताते हैं कि मानवशास्त्र के अंतर्गत दोनों ही विज्ञानों के गुण विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन और नेडल ने मानवशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। अर्थात ये तीनों ही विचारक ये मानते हैं
कि जो मानव शास्त्र है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखना अधिक श्रेयस्कर है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे जो मानव शास्त्र है वो प्राकृतिक विज्ञान है। मानव शास्त्र के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न समाजों का की तुलना की जाती है और उनका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही जो मानव समाज का उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ और निरंतर उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और इस सभी अध्ययन के अंदर, इन सभी अध्ययनों के अंदर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों से निकटतम संबंध होता है और उनको प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि इवांस पिचार्ड, बिडने और क्रॉबर, इन तीनों ने ही मानव शास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं माना है। इन्होंने क्यों मानव शास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है? इनका जो मत है या इनका जो दृष्टिकोण है देखने का, वो ये है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनको, उनके ऊपर नियंत्रण प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा रखा जाता है, जबकि जो मानव शास्त्र है उसके अंतर्गत सामाजिक शक्तियों का नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे खगोल शास्त्र है, हैं तो खगोल का अध्ययन, यदि हम सौरमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम तारों की गणना कर रहे हैं, यदि हम तारों का अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम सूर्य की गणना करते हैं, तो ये सभी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि मानव शास्त्र के अंतर्गत ऐसा नहीं है। मानव शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मानव के कार्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और इसकी निरंतरता संतुलन का अध्ययन किया जाता है। और इन सब पर नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? इन सब पर नियंत्रण जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका इन सब पर नियंत्रण होता है। अतः ये सभी विचारक ये कहते हैं कि जो मानव शास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। अपने अपने मत इन सब ने दिए हैं मानव शास्त्र के बारे में। अच्छा, इसी प्रकार मजूमदार और मदान ने मानव शास्त्र की प्रकृति के संबंध में जो लिखा है कि मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, मजूमदार और मदान ने भी मानव शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। और ये मानते हैं कि जो मानव शास्त्र है उसकी दो शाखाएँ होती है, पहली सांस्कृतिक मानव शास्त्र और दूसरी शारीरिक मानव शास्त्र। और जो सांस्कृतिक मानव शास्त्र है उसके अंतर्गत क्या आता है? उसके अंतर्गत इतिहास और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे ये घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अर्थात जो मानव शास्त्र है वो इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो पहली शाखा में तो ये आता है। दूसरी शाखा में क्या आता है? शारीरिक मानव शास्त्र, जो कि प्राणी शास्त्र, जीव जंतुओं से संबंधित विज्ञान, इन सब विज्ञानों से संबंधित है। अतः यह सांस्कृतिक, इसलिए उन्होंने मानव शास्त्र की दो शाखाएं सांस्कृतिक मानव शास्त्र और शारीरिक मानव शास्त्र बताई है। अच्छा, यदि हम इन सभी विचारकों के मतों को, दृष्टिकोणों को हम देखें, तो हम देखेंगे कि अपने अपने ढंग से सभी ने ये प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि जो मानव शास्त्र है वो, कुछ कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि मानव शास्त्र दोनों ही विज्ञान है क्योंकि इसमें दोनों के गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन यदि निष्कर्ष रूप में हमें बताना हो, निष्कर्षतः हमें कहना हो कि मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र में प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों ही विज्ञानों की विशेषताएँ पाई जाती है। अतः मानव शास्त्र क्या है? मानव शास्त्र मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन करने वाला प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है। अर्थात हम इसकी प्रकृति को सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञानों की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं प्राकृतिक विज्ञानों की हैं
और कुछ विशेषताएं सामाजिक विज्ञानों की पाई जाती हैं।